ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का बेबी येलो के एपिसोड नंबर 2 में। आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया था कैसे ये बच्चा अनोमिनसली हरकतें करने लग गया था, और आज इस गेम को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं अभी कौन सी नेक्स्ट लेवल की हरकतें करने वाला है। ऑलराइट गाइस, यहां पे देख सकते हो हम सेकंड एंड में एंटर कर चुके हैं और यहां पे वो सेम रूम है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर जो बेबी है लगता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, इट्स मीन मेरा छोटा भाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा है बोतल फाइंड आउट करनी है दूध की, तो यहाँ पे दूध की बोतल ये रही नहीं कोई डेर खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है फील दी बोतल, ओके सामने थी दूध की बोतल और अभी वो दूध की बोतल यहाँ दिख नहीं रही बिल्कुल, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई है। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर दूध की फील बॉटल। वहाँ पे आप देख रहे होगे मैसेज में, साइड में आप मैसेज देखते चलो तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो यहाँ तो नहीं है, नीचे सारे कबर्ड चेक कर लिए एक एक करके, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही मुझे दूध की बोतल, तो वो होगी कहाँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो यार दूध की बोतल आखिरकार गई तो गई कहाँ, मतलब यहीं कहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये रही फूड दूध की बोतल और इसे लगता है हमें ऊपर लेके जाना है, गेट इट टू बेबी। ऑलराइट, तो हमें इसे ऊपर लेके जाना है और वहाँ पे ओहो भाई कुछ देर पहले ये था नहीं और अचानक से ये दूध की बोतल देख के यहाँ आ गया और इसने वही कारनामे करना चालू कर दिया जो इसने फर्स्ट नाइट में करे थे। अब इसका डायपर चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे हमने इसे बैठा दिया, बट यहाँ पे हम बैठा कर डायपर चेंज नहीं कर सकते, इसका सेपरेट सा रूम है आगे की तरफ, वहीं पे चेंज करना पड़ेगा इसका डायपर। तो ये भाई अभी तो कुछ अनोइंग हरकतें ना करे। ऑलराइट, का डायपर उठाते। ऑलराइट, ये क्या हुआ भाई 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 भाई, ओहो ओ ये डायपर कैसे भगने लग गया भाई, सोफे पे गया लगता है इसे हमें पकड़ना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे साइड में भी लिखा आ रहा है इसे पकड़ना, ओए किचन भग गया भाई, बेबी तो कहीं कुछ कार नहीं कर रहा ना, भाई कहाँ गया, ऊपर था। ऑलराइट, तो ये रहा वन, पकड़ नहीं 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 ऑलराइट, ये गेट बंद कर भाग गया, ओ ये ऊपर कहाँ जा रहा है, चलो इसे देख के आते हैं कहाँ जा रहा है ये। ओ ये भाई सीधा बेबी का रूम में घुसा, शायद बेबी है क्या इधर, नहीं बेबी तो नहीं है। और भाई फिर से भाग गया, ओ इसने कोई रूम एंटर कर दिया, आपने ये वाला रूम खुल नहीं रहा था आई थिंक पहले वाले एपिसोड में, अभी खोल दिया है इसने, खोल दिया। और यहाँ पे चड्डी के सर में कुछ लगा है। ऑलराइट, तो सामने अब इसे शायद पकड़ सकते हैं, और नीचे एक लिखा है ग्लास ब्रेक ग्लास। ऑलराइट, तो पता नहीं क्या काम आएगा बट बाद में देखेंगे इसे कहाँ काम आता है। तो इस चड्डी को ले जाके हम इस बेबी को पहना देते हैं। ऑलराइट, तो अब इस बेबी को हमने उठा लिया, इससे हमें उसे पार्लर में छोड़ने आना है। ऑलराइट, ओ लाइट ब्लिंक हुई और ये बेबी वहाँ जाकर कैसे बैठ गया, अभी हमारे हैंड में था ये बेबी, सो इसे हम ले जाके पार्ले में फिर से छोड़ना है। तो यार भाई बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है इसका सेकंड नाइट, एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी नाइट आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया है, अब वही सेम स्टोरी टेलिंग करना है इसको, और एक इसको कॉट भी देना होगा हमें एज सच द स्टोरी के। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी पढ़ना शुरू किया और स्टोरी का नाम देख सकते हो द प्रिंस एंड दी रैबिट। ऑलराइट, फटाफट पढ़ते हैं इस स्टोरी को, एज सच इतनी डरावनी सी स्टोरी है जैसे इसकी आंखें ना सेम स्टोरी में। ऑलराइट, तो इसने स्टोरी बुक फेंक दी और इसे सबसे पहले कॉट चाहिए एक, ओके तो हमें उस स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एक कॉट ढूंढना है और जो इसको पसंद आए, तो वो कॉट ये हो सकता है क्या। ऑलराइट, तो ये हंसने तो लग गया है, अब अगेन हमें स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करनी है और इसको स्टोरी टेलिंग सुनानी है। तो सिट डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे हम फटाफट स्टोरी टेलिंग ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग सारी ख़त्म हो गई है अब भाई, और राइट ये सो चुका है, अब हमें डोर क्लोज करके बाहर जाना है। तो चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है। इसमें शायद 3 नाइट्स हैं, सेकेंड नाइट में हम इंटर हैं और थर्ड नाइट में देखते हैं कितनी भयंकर नाइट होती है वो। बट अगर यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो पूरी एंड तक देखो, पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे बेबी तो है नहीं और हमें बोल दिया गया है सुबह बैठ कर टीवी देख लो, तो चलो यार टीवी देखते हैं बैठ के। और वैसे टीवी में तो कुछ आ नहीं रहा और रोने की आवाज़ उल्टा आ गई। ओहो यहाँ पे घंटी भी है बजी है और यहाँ पे कुछ बॉक्स छोड़ के गए, इस पे लिखा है टॉपिस्टिक 40,000, तो इसका क्या काम आएगा, आई थिंक पता नहीं क्या काम आएगा। चलो इसको डेस्क पे रख देते हैं, तो हमें डेस्क पे रखने को बोले जा रहा है, तो मैं इसको उठा कर सिंपली डेस्क पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, अब अगेन आए टीवी चे देखने चलते। तो चलो यार टीवी देखते, क्या पता हमारी सेकंड नाइट भी निकल जाए। ओके, तो यहाँ टीवी भाई चल रहा है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा टीवी में। वो यहाँ पे भाई चीता का कलर बदला एंड वी विल शायद हम थर्ड नाइट में
ऑल राइट, तो फाइनल नाइट यानी कि थर्ड नाइट में हम इंटर कर चुके हैं। अभी वो नाइट है, अगर इस नाइट में हमने पार कर ली तो हम इसके आगे जितने मोड वो एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है सोप, यहाँ पे सिंपली हमें बेबी को पास ले जाना है एंड गेटिंग बोतल। ओके, तो हम बेबी की सबसे पहले बोतल ढूंढने हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बेबी के कमरे में चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये रो रहा है बड़ी भयंकर तरीके से। भाई मेरी मम्मी जब इसे छोड़ के गई थी तो ये भाई एकदम सीधा साधा लड़का था, बट पता नहीं कैसे मॉन्स्टर में चेंज हो गया, मुझे आइडिया नहीं है। अभी किस तरह अपना रूप दिखाने वाला है वो कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं किचन की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे दूध की बोतल एज यूजल शायद फ्रिज में होनी चाहिए। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ फ्रिज में मिल जाओ। और यहाँ पे हमें बोला गया पहले बेबी के लिए कुछ बनाए, तो यहाँ पे टोस्ट बना देते हैं, ब्रेड जैम। ओके, तो यहाँ पे स्लाइस ले लेते हैं ये चीज़ का और ऊपर से एक ब्रेड रख के इसको ऊपर बना दूँ। तो टोस्ट बना के शायद उसको खिलाना है, भूख भी लग रही है उसको शायद। तो यहाँ पे मैंने इसको चालू कर दिया है। ओके, ओ ओ भाई ये क्या हुआ अभी? भाई मैं तो खोले जा रहा था, ओ ये क्या लिखा आ रहा है? फ्रेड हिम भाई क्या 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 रूम भाई रूम कैसा हो गया? ओए फ्रेडिंग भाई इसको भूख लगी है भाई, खा जाएगा क्या? ऑल राइट ऊपर कुछ लिखा आ रहा है वेट कुछ लिखा तो आ रहा है यहाँ पे बोतल ढूंढने में। तो भाई फ्रेडिंग ओ भाई उस बच्चे ने भाई अपना प्रकोप दिखाना चालू कर दिया। तो ब्रेड खाएगा क्या? तो मैं से ब्रेड लेकर चलता हूँ रूम के पास। ओके, यहाँ तो नहीं है, ड्राइंग रूम में तो नहीं दिख रहा मुझे बच्चा, तो कमरे में। ऑलराइट भाई गेट भी नहीं खुल रहा और ब्रेड देख सकते हो यहाँ पे चिपक गया। भाई हमें लगता है बोतल ढूंढनी पड़ेगी, तो फटाक से हम किचन की तरफ चलते हैं और वहाँ से हम बोतल ढूंढना चालू करते हैं। तो इस फ्रिज में होगी बोतल। ओ भाई फ्रिज इतनी बड़ी सुरंग कैसे बन गई आजीबग जैसी, और यहाँ पे आइस बोतल मिल चुके हैं। तो चलो बाहर चलते। और अबे भाई ये कैसे गेट लग गया? अब इसका रास्ता किधर से है? ऑलराइट इधर से एक रास्ता है। भाई इधर तो सामान रखा है, और हो इधर साइड में लेफ्ट राइट। ओके ये गेट खुल चुका है। ऑलराइट तो हम यहाँ पे लॉबी में आ चुके हैं, शायद भी ये वही लॉबी है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी। और यहाँ पे तो भाई सब लॉक्ड है। हमारा कौन सा रूम है? शायद रूम नंबर 9 था या 10 था, पता नहीं, आई थिंक सो यही रूम होगा हमारा। ऑलराइट गेट खुल चुका है। ओह बैठ गया ये, और भाई इसकी आँखें भाई अब देखो किस तरह से हो गई हैं। भाई ये सही बता रहा हूँ अपना प्रकोप दिखाएगा अब भाई, बहुत तगड़ा भाई। अब इसका डायपर चेंज करना है और भाई जो प्रकोप दिखाने वाला है भाई मुझे नहीं पता क्या दिखाएगा ये। तो मैं इसका डायपर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे ओ नो भाई क्या भयंकर सा चेहरा बना दिया भाई इसने। भाई क्या, ओ भाई इसकी आँख देखो तो, ओ भाई क्या डरावना सा चल रहा है। और भाई क्या इसने पूरा घर उठा लिया अपने ऊपर। और यहाँ पे दी एमरजेंसी, ओ के एमरजेंसी अपस्टेयर, ऑलरेडी क्या निकल आया है पूरे घर में। और भाई भाई क्या हो रहा है, क्या हो कर रहा है? तो शायद हमें वो इमरजेंसी जो गिलास था वो लेना है। ओ भाई यहाँ भाई ये लगता है हमें रोक रहा है वो। अब ये गिलास तोड़ के हमें इसके मुंह में डालना है। अभी गया तो गया कहाँ, शायद इससे ये शांत होने वाला है। तो ओके शायद नीचे गया है। ओहो ओ गिलास नहीं रूम में तो नहीं है, लॉक्ड है रूम तो, इसने लॉक कर रखा है। ये वाला रूम भी लॉक्ड है। और यहाँ से भाई कुछ नीचे से ही कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ओ भाई यहाँ पे है, और भाई प्लीज़ यहीं रही हो। ऑलराइट, ओह भाई अब चाके घर पूरा शांत हुआ है और ये यहाँ पड़ा हुआ है। और भाई इसको उठा के पालने में दोबारा जाके डालना है। ओके, तो भाई इतना डरावने माहौल में भाई शांत हो गया भाई किसी तरह मैंने इसको शांत। ओह भाई फिर से चालू, नहीं। ऑलराइट ये क्या भाई एकदम मूवी की तरह दिख रहा है ये भाई। ये बच्चा भाई यार कदम से बता रहा हूँ, तुम लोग ये गेम रात में मत खेल लेना वरना बहुत ज़्यादा डर जाओगे तुम लोग। ओके भाई इसने पूरा घर की हालत देख सकते हो कैसे कर दी, एकदम डरावनी से कर दी घर की हालत। और यहाँ पे भाई पूरे घर की मात तो दी भाई इसने, तो सही बता रहा हूँ ऐसे की तैसी कर रखी है। तो इसे पालने में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि स्टोरी सुनानी है, इसे अगेन वी विल टेल इन द स्टोरी। और ऐसे हॉरर माहौल में भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि कोई स्टोरी सुना दी जाए इसको, बट हमें एक पहले कॉड दे देना अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो ओके ये वाली स्टोरी है, एंड द प्रिंस एंड द शिप। ऑलराइट, तो
ये स्टोरी हम फटाफट ख़त्म करते हैं, ये ड्रावनी सी स्टोरी। तो भाई एक राजा था, उसने शिव को मारा, उसने फिर उसके बच्चे कर दिए, ये वो वाला नक्का फलक्का डिमक्का। और लाइट फटाफट यहाँ पर देख सकते हो, उसने उसका शिकार कर लिया, फिर उसके उसकी ऐसी की तैसी कर दी, अपने जैसा मॉन्स्टर बना लिया, फिर भी लक्का फलक्का। और भाई ये क्या है? ऑल राइट, ओ भाई सारे टॉयस उड़ गए, और ये कहाँ बैठ गया अपनी कुर्सी पे? ऑल राइट एंड टाइम चल रहा है। ओके भाई ये क्या निकल आया? ओए 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 भाई साहब, गुड नाइट। ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट्स करके बताना जरूर आना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।